सो तुमने अगर इन्फिनिटी वॉर मूवी देखी होगी तो तुमने जरूर नोटिस किया होगा कि टाइटन प्लैनेट पर टोनी, स्पाइडरमैन, टिकटॉकर और अपना जादूगर आराम से सांस ले पा रहे होते हैं। पर ये तो इंसान है, बिल्कुल हमारी तरह चमड़े से बने हुए, तो उनको वहाँ पर ऑक्सीजन कैसे मिला? पर बहुत सारे लोगों को यही लगता है कि जब थैनोस रियलिटी को चेंज करता है और उसके पीछे जो पेड़ पौधे दिखाई देते हैं इसी वजह से वहाँ पर ऑक्सीजन मौजूद होगी। लेकिन नहीं, चलो एक्सप्लेन करता हूँ। तो इसका जवाब हमें मिलता है थैनोस कंज्यूम नामक बुक में, जिसमें हमें पता चलता है कि थैनोस ने जब आबादी वाले मसले पर बात की थी तब उसके प्लैनेट पर से उसे भगा दिया था। बाद में जब थैनोस अपनी चित्तौरी आर्मी को साथ में लेकर अपने प्लैनेट वापस आता है तो वो देखता है कि उसका प्लैनेट पूरी तरीके से बर्बाद हुआ था। और बाद में अपने थैनोस को उसके पिताजी की याद आती है। उसके पिताजी उस प्लैनेट के सबसे बुद्धिमान प्राणी थे, यानी कि साइंटिस्ट थे। फिर थैनोस को लगता है कि उसके पिताजी अभी भी जिंदा हो सकते हैं, कुछ जुगाड़ उगाड़ लगाया होगा, इतने होशियार जो आदमी थे। तो थैनोस अपनी चित्तौरी आर्मी के हेल्प से टाइटन प्लैनेट पर बापूजी के आशीर्वाद से स्वच्छता अभियान चलाता है और पूरे प्लैनेट को सांस लेने लायक बनाता है और अपने पिता को ढूंढने लगता है। तो यही रीजन था इतने सालों बाद भी एवेंजर्स उस प्लैनेट पर सांस ले पा रहे थे।